तो यार देखो, हमारे पास एक सही सेटिंग होना बहुत जरूरी है, रियल लाइफ में भी और गेम में भी। और रियल लाइफ से ज्यादा मुश्किल तो आजकल गेम में सही सेटिंग ढूंढना हो गया है, क्योंकि इतनी सारी सेटिंग आ चुकी है कि लोग हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई किसको ऑन करें किसको ऑफ करें। और सिर्फ यही नहीं, ज्यादातर लोगों को तो कुछ सेटिंग का पता ही नहीं होता कि उससे होता क्या है, और गलत सेटिंग पे खेलना उतना ही बेकार है जितना पांड्या की कैप्टनसी। इसीलिए सेटिंग तो भाई अच्छी होनी ही चाहिए, तभी मार पाओगे मतलब बंदों को गेम में। इसीलिए आज मैं बताने वाला हूँ भाई फ्री फायर की सारी सेटिंग, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। क्योंकि होता क्या है कि लोग ना कुछ कुछ सेटिंग ही बताते हैं, जैसे कि कंट्रोल सेटिंग बताएंगे या फिर कुछ कुछ डिस्प्ले सेटिंग बताएंगे, फिर ना कुछ सेटिंग छूट जाती है, फिर लोगों को भटकना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें ए टू जेड सारी की सारी सेटिंग बताऊंगा फ्री फायर की, कि किससे क्या होता है, जिससे कि सिर्फ एक ही वीडियो को देख के आप अच्छे से सीख जाओगे, कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन भाई इस वीडियो को ना आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में भाई बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक आप लोग पलक झपकाते ही कर सकते हो, तो फटाफट कर दो, चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है बेसिक, और बेसिक में सबसे पहले है लॉगिन हिस्ट्री। तो लॉगिन हिस्ट्री में क्या होता है कि जितने भी डिवाइस में आपका ये वाला जो अकाउंट है फ्री फायर का वो लॉगिन होगा, वो इधर दिख जाएगा, ठीक है, डेट इधर दिख जाएगी, टाइम इधर दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको एक ही क्लिक में यहाँ से लॉग आउट करना चाहते हो, तो एक ही क्लिक में यहाँ से कंफर्म करके सभी अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हो। उसके बाद है ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे जो भी आपका मान लो कि नया मैप आया है, या फिर लोन वुल्फ का कोई नया मैप आया है, या फिर कोई भी मतलब मान लो कोई बंडल आया है, तो उसको ये अपने आप डाउनलोड कर देगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको ना आप ऑफ रखना, जिससे कि भाई फालतू की चीज़ें डाउनलोड ना हो। उसके बाद आता है सेटिंग सिंक। इससे क्या होता है कि इसको आपको ना पहले जाते ही अपलोड कर देना है, उसके बाद आप चाहें अपनी कुछ भी कस्टम एचयूडी को इधर से उधर कर दो, ठीक है, कुछ भी इधर से उधर कर दो और सेव कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे आके डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपकी एक ही क्लिक में पूरी की पूरी कस्टम एचयूडी वापस वैसे ही सेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, आपको हमेशा अपलोड करके रखना है अपनी जो भी आप कस्टम एचयूडी को यूज़ करते हो। फिर ब्राउज़र को आपको हमेशा क्लियर कैश करते रहना है, इससे आपका कैश जो है वो क्लियर होता रहेगा। उसके बाद आपका कोई नेटवर्क इशू होता है तो आप इसके यहाँ पे सेंड रिपोर्ट करके भेज सकते हो, है ना, जिससे कि आपका नेटवर्क इशू जो है वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। फिर आती है हमारी सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप इसको 100 कर लेना, रेड डॉट से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। 2x स्कोप और 4x स्कोप को 80-80 रखना, और स्नाइपर स्कोप को आप लोग रख सकते हो 30-40 के बीच में रख लेना, और फ्री लुक को रख लेना 20 के आसपास, ठीक है, क्योंकि फ्री लुक बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है। तो ये सेंसिटिविटी है, बाकी आप जनरल सेंसिटिविटी को थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हो, वो आपके डिवाइस पर डिपेंड करता है, ज़्यादा अच्छा डिवाइस है तो थोड़ी बहुत कम करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल में देखो, एम प्रिसीजन को अगर आप डिफॉल्ट पे रखोगे ना, तो आप जब भी किसी के ऊपर फायर करोगे तो आपका जो एम है वो अपने आप उसके ऊपर चिपकेगा। अगर थोड़ा बगल में ही फायर करोगे तो सामने वाले बंदे पे एम चिपकेगा, और साथ में जो स्कोप को ऑन ऑफ करोगे दूर वाले बंदे पे, तो भी अपने आप स्कोप से सामने वाले बंदे पे अपने आप एम चले जाएगा। लेकिन प्रिसाइज ऑन स्कोप पे कर दोगे तो बिना स्कोप खोले तो एम चिपकेगा, लेकिन वो जो आप स्कोप को ऑन ऑफ करके मारते हो ना, वो नहीं होने वाला फिर। और फुल कंट्रोल पे करोगे तो ना तो स्कोप खोल के एम चिपकेगा, और ना ही बिना स्कोप खोले एम चिपकेगा। तो इसीलिए भाई इसको डिफॉल्ट पे रखना, डिफॉल्ट ही रख के ज़्यादातर बंदे खेलते हैं। लेफ्ट फायर बटन को अगर आप ऑलवेज पे कर दोगे तो आपकी कस्टम एचयूडी में हमेशा लेफ्ट फायर बटन दिखेगा। अगर इसको शो व्हेन स्कोप्ड पे कर दोगे तो जब भी स्कोप को ओपन करोगे तभी लेफ्ट फायर बटन दिखेगा। होल्ड फायर टू स्कोप वाला जो ऑप्शन है, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। इससे होता क्या है कि इसको अगर आप ऑन रखोगे और कोई भी स्नाइपर को जब आप फायर बटन पे क्लिक करोगे स्नाइपर को लेके, तो फायर बटन पे क्लिक करते ही अपने आप ही स्कोप ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो। और अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो स्नाइपर लेके जब भी फायर बटन पे क्लिक करोगे तो स्कोप ओपन अपने आप नहीं होगा, डायरेक्ट फायर हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि एक्यूरेट फायर नहीं होता। इसीलिए इसको ऑन करके रखना, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी स्नाइपर चलाने में। क्विक वेपन स्विच से क्या होता है कि क्विक वेपन स्विच को ऑन रखोगे तो कस्टम एचयूडी में हमेशा एक वेपन स्विच का बटन दिखेगा, लेकिन इसको आप ऑफ ही रखना, क्योंकि फिर टिपिकल हो जाती है कस्टम एचयूडी। क्विक रीलोड से क्या होता है कि इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो इससे भी एक एक्स्ट्रा बटन ऐड हो जाएगा कस्टम एचयूडी में रीलोड करने वाला, लेकिन कोई काम का बटन नहीं है ये, क्योंकि हम सिंपली गन बॉक्स पे क्लिक करके अपने गन को रीलोड कर सकते हैं, तो इसको ऑफ रखना। रीलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर से क्या होता है कि इसको ऑन कर दोगे और जब भी अपनी गन को रीलोड करोगे तो ना एक रीलोड की एनिमेशन आएगी आपकी स्क्रीन पे, इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, निब्बे यूज करते हैं उसको, आप इसको ऑफ रखना। फ्री लुक से क्या होता है कि अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपको दो ऑप्शन कम दिखेंगे, लेकिन ऑन करते ही आपको दिखेगा स्प्रिंट और ड्राइव, ठीक है। स्प्रिंट, अगर आप स्प्रिंट को ऑन करोगे तो जब भी आप भाग रहे होगे तो आप फ्री लुक से अपने मतलब सीधे भागते हुए पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह देख सकते हो। वैसे ही सेम ड्राइव में आप इसको ऑन रखोगे
तो जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हो। ऑटो स्विच गन से क्या होता है कि मान लो आपके पास दो गन है और एक गन के अंदर एमओ पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, जैसे सपोज उसके अंदर एक एमओ है और आपकी जो दूसरी गन है उसके अंदर है एमओ, ठीक है, तो आपकी जो जिसके अंदर एक एमओ है ना उसको अगर आप जैसे ही फायर कर दोगे आपकी तुरंत अपने आप ही दूसरी गन स्विच हो जाएगी जिस गन के अंदर एमओ है। बीआर स्कोर बोर्ड से क्या होता है कि इसको आप ऑन रख दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो दो दिख रहे होंगे, बीआर स्कोर बोर्ड एक्सेस टाइप टैप और होल्ड। इससे होता क्या है कि जैसे कि हम डुओ खेलते हैं या फिर स्क्वाड में खेलते हैं तो हम ना इससे अपने टीममेट की लूट देख सकते हैं। अपने सिंपली अगर यहाँ पे टैप पे कर दोगे तो जो आप जहाँ पे चारों टीममेट का नाम दिखता है उस पर टैप करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसके पास कितनी ग्लू बॉल है, कितनी मेडिकेट है, और अगर इसको होल्ड पे रखोगे तो जहाँ पे नाम होता है ना उसको क्लिक करके रखना है आपको, तब आपको वो जो सारा का सारा स्टैट्स है वो दिख जाएगा कि किसके पास कितनी ग्लू बॉल है, जिससे कि ना कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। हम अपने प्लेयरों से ग्लू बॉल मांगते हैं वो झूठ बोल देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, तो ये भी एक बड़ी ऑप्शन है। आइटम फाइंडर से क्या होता है कि इसको अगर आप हमेशा ऑन रखोगे तो आपके जो आसपास जो भी आइटम होगा ना, जैसे कि घर के अंदर कुछ मेडिकेट पड़ी हुई है तो वो अपने आप दिखती रहेगी आपको स्क्रीन के अंदर, ठीक है, आपको जाके वहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको दूर से ही दिख जाएगी जिससे कि आप वहाँ पे जाके ले सकते हो, ठीक है, तो वो पूरे मैच में आपको ये आइटम जो है वो फाइंड करके आपको दिखाता रहेगा स्क्रीन के ऊपर। लेकिन रिकमेंडेड टाइम पे कर दोगे तो क्या होगा कि आपको सिर्फ शुरुआत के 2 या 3 मिनट के लिए दिखाएगा, क्योंकि शुरुआत के 2-3 मिनट ही हम लूट रहे होते हैं गेम के अंदर, तो इसलिए इसको रिकमेंडेड टाइम पे रखना। ग्रेनेड स्लॉट से क्या होता है कि अगर आप इसको सिंगल स्लॉट पे क्लिक करके रखोगे तो आपका जो ग्लूवल वाला बटन है और ग्रेनेड वाला बटन है वो एक ही रहेगा, लेकिन अगर इसको डबल स्लॉट पे कर दोगे तो ग्रेनेड वाला अलग हो जाएगा जिसके अंदर ग्रेनेड और फ्लैशबैंग और स्मोक ग्रेनेड ये सब हो जाएगा, और एक बटन आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जिससे आप लोग ग्लू वॉल लगा सकते हो, तो आप इसको डबल स्लॉट पे करके रखना। ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो से क्या होता है कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप जैसे ही ग्लू वॉल पे क्लिक करोगे तुरंत ग्लू वॉल लग जाएगी, फायर बटन पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ये अभी जो लोग हैं काफ़ी कम लोग खेलते हैं ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो से। आप लोग स्नाइपर यूज़ कर सकते हो, स्नाइपर यूज़ करते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, बाकी तो इसको ऑफ ही रखना। परमानेंट ग्लू वॉल बटन को भाई हमेशा ऑफ रखना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जस्ट सपोज आपके पास ग्लू वॉल नहीं भी है ना, मतलब है ही नहीं आपके पास एक भी ग्लू वॉल नहीं है, तो भी वहाँ पे वो बटन दिखता रहेगा कि जीरो ग्लू वॉल, ठीक है, जिसका हमें कोई काम नहीं, भाई ग्लू वॉल है ही नहीं तो हमें नहीं देखना ना वो बटन, है ना, हट जाए वो बटन, तो इसलिए आप इसको ऑफ रखना। रन बटन को क्लासिक पे रखोगे तो जब भी आप अपने स्प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो भागने लग जाओगे। ड्रैग अगर इसको सेलेक्ट कर दोगे तो आपको अपनी जॉयस्टिक को ऐसे ऊपर की साइड ड्रैग करना पड़ेगा तब आप लोग स्प्रिंट करोगे, मतलब तब आप लोग भागोगे जैसे पबजी के अंदर होता है, और अगर मिक्स पे कर दोगे तो बटन भी रहेगा और जॉयस्टिक को ड्रैग करके भी भाग सकते हो। लेकिन भाई इसको मिक्स और ड्रैग मत रखना, क्योंकि हम लोग कभी भी नूव वॉक वगैरह कर रहे होते हैं तो एकदम से आपका कैरेक्टर भागने लग जाएगा, इसीलिए इसको क्लासिक पे रखना। व्हीकल कंट्रोल जो है जो पीसी में लोग खेलते हैं वो उसको 100 रखते हैं, और जो मोबाइल में खेलते हैं वो उसको 200 रखते हैं, तो मोबाइल वाले सभी के सभी प्लेयर्स को 200 रखना, क्योंकि 100 कर दोगे अगर इसको मोबाइल में तो आपको जॉयस्टिक से चलानी पड़ेगी जो आपकी गाड़ी है, जिससे कि आप लोग मतलब मोबाइल के अंदर बिल्कुल नहीं चला सकते जॉयस्टिक से, तो इसको 200 रखना। इन गेम टिप्स से क्या होता है कि जो भी सेफ जोन श्रिंक वाला टाइम वाइम होता है, ठीक है, अगर आप इसको डिफॉल्ट पे रखोगे तो सेफ जोन श्रिंक कब होने वाला है, ठीक है, वो सब आपको बीच में दिखाएगा, यहाँ कहीं पर दिखाएगा बीच में, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाइड कर दोगे तो आपको साइड में कोने में थोड़ा सा दिखा देगा, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट या सिंप्लीफाइड जो भी रख सकते हो वो आपकी मर्जी है। एलिमिनेशन नोटिफिकेशन को अगर आप क्लासिक पर रखोगे तो आपकी जो आप किसी बंदे को मारते हो तो जो एनिमेशन आती है ना एक बन के ऊपर कुछ आता है जो हेलमेट वगैरह कुछ बन के आता है, अगर क्लासिक पर रखोगे तो वो एक एनिमेशन के साथ आएगा, ठीक है, मतलब हल्का सा एनिमेशन के साथ आएगा, सिंप्लीफाइड कर दोगे तो बस वो आएगा और जाएगा। क्रॉस हेयर टाइप अगर क्लासिक पर रहेगा तो आपका जो सदियों से क्रॉस हेयर चला आ रहा है, जो बीच में एम जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जो सदियों से क्रॉस हेयर चला आ रहा है वही दिखेगा। न्यू पे कर दोगे तो भाई वो गोल सा क्रॉस हेयर शायद दिखने लग जाएगा, ठीक है, तो इसको आप क्लासिक करके रखना, क्योंकि वही उसी से आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। डैमेज इंडिकेटर अगर आपका क्लासिक पे रहेगा तो जब भी आप ड्रैग करोगे तो बॉडी पे तो आपका येलो कलर का डैमेज दिखेगा और हेड पे रेड कलर का दिखेगा, और जो डैमेज है वो थोड़ी ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर इस जो डैमेज इंडिकेटर है इसको न्यू पे कर दोगे तो बॉडी पे देखो वाइट कलर का डैमेज आ जाएगा और हेड पे जो है वो रेड कलर का ही रहेगा, लेकिन जो डैमेज है वो जल्दी जल्दी स्क्रीन से आपका हटता रहेगा, तो आप इसको भी जो मर्जी रख सकते हो। उसी के नीचे ये जो हिट मार्कर वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लासिक पे रखोगे और फिर आप जब किसी फायर करके देखो गौर से आप बीच में एम को देखना, हो क्या रहा है जब भी मैं फायर कर रहा हूँ तो बीच में ना देखो एक रेड कलर का क्रॉस दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप इसको हिट मार्कर को जैसे कि कहाँ गया ये हिट मार्कर को अगर आप न्यू पे कर दोगे तो जब भी आप फायर करोगे तो बीच में रेड कलर का क्रॉस दिखेगा, ठीक है, तो आप इसको जो मर्जी रख सकते हो, इस पर तो कोई मतलब ध्यान जाता भी नहीं है, ठीक है, तो आप इसको जो मर्जी रख सकते हो, रेड मतलब न्यू रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टीममेट इन्फो अगर क्लासिक पे रहेगा तो आपका जो टीममेट है वो आपके पास आए चाहे दूर जाए उसका जो नाम है वो सेम वैसा ही दिखेगा,
लेकिन ट्रांसलूसेंट कर दोगे तो जो आपका कोई टीममेट आपके पास आएगा तो उसका नाम जो है वो थोड़ा सा मतलब उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, और थोड़ा दूर जाएगा तो वो सिंपल आपका वो नाम दिखेगा अच्छे तरीके से, पूरा वाइट वाइट। तो आप इसको ट्रांसलूसेंट रखना। टीममेट निकनेम को अगर आप हाइड कर दोगे तो जो भी आपने अपने टीममेट का निकनेम रखा होगा, जो भी हैशटैग में हम लोग रखते हैं, तो हाइड कर दोगे तो गेम में वो निकनेम नहीं दिखेगा, सिंपली नाम दिखेगा। डिस्प्ले कर दोगे तो जो गेम के अंदर भी आपको टीममेट का हैशटैग वाला नाम दिखेगा। ऑटो पिकअप में यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये वेपन आर्मर बैकअप, ये आपको सबको ना ऑन रखना है, ठीक है, जिससे कि भाई सारे के सारे जो हैं आपके जल्दी जल्दी आपके बैग में आएंगे। और नीचे सबसे पहले देखना ऑटो पिकअप स्पीड लिखा होगा, इसको आपको फास्ट पे रखना है, ठीक है, जाके चेक करना है, डिफॉल्ट होता है, आपको इसको फास्ट पे रखना है, जल्दी जल्दी आपके बैग में लूट आएगी। उसके बगल में जो प्रायोरिटी वाला ऑप्शन है, इससे क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कहीं पे लूट में मेडिकिट और एमओ पड़े हुए हैं, ठीक है, मेडिकिट पड़े हैं और एमओ पड़े हैं, तो क्या आपके बैग में पहले आना चाहिए, मेडिकिट पहले आनी चाहिए या एमओ आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एमओ पहले आए मेडिकिट बाद में आए, आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली ऊपर वाले बटन को क्लिक कर देना, तो ये एमओ, देखो एमओ ऊपर आ जाएगा, मतलब आप कहीं पे एमओ मेडिकिट पड़े होंगे तो एमओ आपके बैग में पहले आएगा। ऐसे सिंपली अगर आप ग्रेनेड को सबसे पहले लेना चाहते हो तो ग्रेनेड को ऊपर 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 भेज दो, देखो ग्रेनेड सबसे ऊपर आ गया। तो वैसी प्रायोरिटी में आप इसको रख सकते हो, वैसे ना ये जो प्रायोरिटी आप इसको रीसेट ही करके रखना, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ये जो क्लासिक मोड है ये वो बड़े वाले मैप के लिए है, जो भी हम बीआर रैंक खेलते हैं, और जो टीम क्लैश मोड है ये है उसके लिए, क्लैश स्क्वाड के लिए, कि इस क्लैश स्क्वाड के अंदर क्या प्रायोरिटी चाहिए। तो आपको सिंपली प्रायोरिटी को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले को आपको स्टैंडर्ड पे रखना है, स्टैंडर्ड पे एकदम बढ़िया चलता है गेम ना, मतलब सारे के सारे ग्राफिक्स भी अच्छे तरीके से दिखते हैं और सब कुछ बढ़िया चलता है। अल्ट्रा मैक्स इसको मत करना, फ़ोन की ऐसी तैसी हो जाएगी। हाई FPS को हाई पे जैसे ही करते जाओगे यहाँ पे ये तुरंत एक वो दे देगा नोटिफिकेशन की भाई सेलेक्टिंग हायर FPS may cause the device to experience excessive heat or lagging more easily। मतलब अगर आप इसको, ये सामने से खुद कह रहा है कि भाई अगर आप इसको हाई कर दोगे तो आपका जो डिवाइस है वो एक्सेसिव हीट और लैग की प्रॉब्लम से गुजर सकता है, तो इसलिए हाई मत करना इसको। ऑटो स्केल को ऑफ रखना, मिनी मैप को हमेशा रोटेटिंग पे रखना, इसको नॉर्थ अप मत कर देना, गलती से खेल ही नहीं पाओगे। और गन शॉट अलर्ट को ऑन कर दोगे तो साइड से कोई बंदा फायर कर रहा होगा तो स्क्रीन के ऊपर ही वो बुलेट के निशान में आपको दिखता रहेगा। साउंड में आओगे, साउंड में आपको वैसे छेड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन म्यूज़िक, देखो म्यूज़िक चाहिए नहीं होता, साउंड इफेक्ट जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि गेम के साउंड इफेक्ट कितने आपको आने चाहिए। यहाँ से एलिमिनेशन स्टिक नोटिफिकेशन, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जब भी किल करने पे जो भी आता है ना, जो बन के आता है, खच करके आता है जो। कैरेक्टर वॉइस इसको आप हमेशा ऑफ रखना, वरना फालतू के कैरेक्टर वॉइस आपको आते रहेंगे। ये वॉइस चैट है, मतलब आपके दोस्तों की आवाज़ कितनी आनी चाहिए, है ना, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि गेम की आवाज़ कितनी आनी चाहिए और दोस्तों की आवाज़ कितनी आनी चाहिए, ठीक है, मतलब वही सब है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल जैसा है वैसे ही रहने देना। उसके बाद रिकॉर्डिंग जो है आप इसको हमेशा ऑफ रखना, ठीक है, ये ऑन ऑन होता है गलती से, इसको ऑफ रखना रीप्ले को, और फ्री रिकॉर्डिंग सेटिंग को भी ऑफ रखना, साउंड सेटिंग को भी ऑफ रखना, रिजोल्यूशन को भी ऑफ रखना, मतलब रिजोल्यूशन का कोई काम ही नहीं है जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो रखी है, क्योंकि भाई ये फालतू में आपका जो डेटा है वो भरते रहेगा और आपका जो डिवाइस है इतना कंपेटेबल होता नहीं है कि मतलब रिकॉर्डिंग इतनी सारी रख सके वो। उसके बाद वाइब्रेशन में देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऑन रहती हैं, तो देखो नीचे की आप लोग चार चीज़ें ऑन रखना, बाकी ऊपर की चार चीज़ें ऑफ रखना। अगर आपने ये चीज़ें ऑन कर दी गलती से, ये चीज़ें ऑन कर दी, तो भाई गेम नहीं खेल पाओगे, फिर ना खेल पाओगे गेम, ठीक है, पागल हो जाओगे, हर बार वाइब्रेट करता रहेगा फ़ोन, इसलिए इसको ऊपर के चार ऑफ, नीचे के चार ऑन। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन, इसको सारे के सारे भाई राइट वाले रखना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। उसके बाद FF मैक्स में भी आके देखो जितना भी है आपको हमेशा ऑफ 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 रखना है, क्योंकि जिससे कि एनिमेशन वगैरह नहीं होगी, आपको सिंपल फ्री फायर बना के खेलना है, तो इसको सिंपली ऑफ और क्लासिक वगैरह पे ही रखना है, ठीक है, मैं इसको क्लासिक कर देता हूँ। उसके बाद प्राइवेसी में है अलाउ फ्रेंड्स टू स्पेक्टेट, इससे क्या होगा कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जब भी आप गेम खेल रहे होगे, जैसे कि देखो ये फायर एक्स FF ये बंदा है, इसने ऑन कर रखा है, तो मैं इसको स्पेक्टेट कर सकता हूँ, ठीक है, स्पेक्टेट पे क्लिक करूँगा, मैं इसकी गेम में घुस जाऊँगा, इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो आपको भी आपके दोस्त ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप इसको ऑन रखोगे, ऑफ कर दोगे तो आपके दोस्त आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो सेटिंग वाले ऑप्शन में सारी की सारी सेटिंग्स तो मैंने आपको सभी की सभी बता दी है कि किससे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे भी एक सेटिंग होती है, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आती है, तो यहाँ पे आओ ना रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में भाई इसको हमेशा ऑफ रखना, ठीक है, मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, आप ऑफ करके रखना, जिससे कि मेमोरी आपकी डिवाइस की यूज़ नहीं होगी और आपका जो गेम है वो लैग नहीं होगा। तो गाइज यही थी भाई सारी की सारी सेटिंग, मैंने आपको एक एक करके सारी की सारी सेटिंग बता दी है अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो में भाई अथाह मेहनत लगी है, ठीक है, बनाने में, हर एक चीज़ को बताने में, तो समझ सकते हो। लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना कि भाई ले देख ले, सारी सारी सेटिंग एक ही वीडियो के अंदर है, ठीक है।
और इंस्टाग्राम पे आके फॉलो जिसने नहीं करा है वहाँ पे भी आके भर लो, ठीक है, वहाँ पे मैं बात करता रहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स से। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।